अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार सबसे पहले तो माजरत, काफ़ी दिनों बाद जो है वो वीडियो आ रही है, तो वीडियो को जो है वो लाजमी आज लाइक कर देना। और ये वीडियो जो है इसके अंदर हम TI8 की बेस्ट फाइट्स देखेंगे जो कि EZ गेमिंग वर्ल्ड की इन्विटेशन स्क्रिम्स में हुई थी। और कल PMNC के अंदर भी TI8 ने कमाल जो है वो डोमिनेशन दिखाई, तो वो भी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो यार वीडियो को पूरी देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले, वो एक अर्निंग एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अकाउंट बना कर जो है गेम्स खेल के अर्निंग कर सकते हैं। इसमें अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है और डिपॉजिट करना भी बहुत ही आसान है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड eSports1PK यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट जो है वो इसमें बोनस भी मिलेगा। तो नीचे जो लिंक दी हुई है उससे आप इसे आपको डाउनलोड अगर आप बाहर जाएंगे तो कहीं नहीं थर्ड पार्टी अटैक आपके ऊपर आ सकते, तो वो एक चीज कंसिडर करके चलनी पड़ती है। कभी कभी आपको ना किल्स की बजाय थोड़ा सा स्मार्ट प्ले आपको दिखाना पड़ता है और वही चीज अभी के लिए INS को हैप्पी बर्थडे, नो जीवन दान मिल गया। बिल्कुल। तो अभी के लिए चार टीम्स यहाँ पर बच रखे हैं। कौन कौन सी वो चार टीम है, अगर हम बात करें, इल्यूमिनेट है, स्वैग अभी भी अपनी टीम की तरफ से अगर देखा जाए उम्मीद है, टीम एलिमेंट इसकी तरफ से वेट कर रहे हैं। और शायद देखिए उनको पता है एक्चुअल लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, बट शायद अपनी प्रेजेंस अभी नहीं देंगे। और ये देखिए माय वे, अगर आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ही जो छोटा सा वो दिख रहा था ना प्लेयर, बस वही दिख पा रहा है। इससे पहले हमें क्या होता था कि हमें प्लेयर दिख जाता था कि कौन से टीम का बिल्कुल साइड में, लेकिन इस अपडेट के वजह से तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। अब ये ग्लिच थोड़ा बहुत है, अभी थोड़े से समय के बाद ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, इसीलिए ये स्क्रिम्स कराई जा रही हैं ताकि सारे ग्लिचेस जो है वो सामने आ सके, उन पे वर्क किया जा सके, पैच अपडेट्स को प्रोवाइड किया जा सके। बट ये ग्रेनेड को आप कितना खतरनाक साबित होने वाला है वो देखते हुए अब आपको मिलेगा मौका। साद अकेले बचे हुए और सारी की सारी जो लाइनअप के प्लेयर्स बचे वो आप साद को स्पॉट करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा खिलाड़ी है जो जोन के अंदर है। और वो देखो साद को मिला मौका, तीसरा खेल से क्या और कर दिया, टॉप थ्री के अंदर जगह बना चुके हैं। बट जेड के लाइनअप ने अभी तक अपना कंपाउंड छोड़ा नहीं है, वो कंक्रीट कवर अभी तक इनको सर्कल का फेवर मिलता ही जा रहा है। बट अब आठवां जोन का शिफ्ट आ चुका है, क्या ये मैच हील बैटल की तरफ जा सकता है? अभी के लिए अगर देखा जाए, मैं एक बार जोन जरूर देख लेता हूं, बट जोन जिस तरह से कंपाउंड की तरफ, तो माइट भी पॉसिबिलिटी है शायद हील बैटल देखने को मिल जाए स्पेशली। बट हील बैटल के लिए आपके पास होनी भी चाहिए यहाँ पर, मतलब मेडिकल एड्स आपके पास होने चाहिए, जो अभी मुझे लिमिटेड ही नजर आ रहा है टीम्स के पास अगर आप देखेंगे तो। बट ये मॉली कर रहे हैं, ये क्या नॉकआउट निकाल सकते हैं, रिव्यूज यहाँ पर अभी के लिए कुछ थ्रोबल्स का इस्तेमाल करने वाले। और ZE के पास ना यूटिलिटीज काफी अच्छी होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की इनको अभी तक के लिए ना इस कंपाउंड के बाद कंपटीशन कुछ मिला नहीं है। इन्होंने पहले बड़े किल्स निकाल लिए थे, आप नंबर ऑफ किल्स देखे तो काफी अच्छे उनके पास, पूरे 10 किल्स हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं, या फिर आई एम नॉट रॉन्ग 8 किल्स रहने वाले हैं, तो 8 किल्स ऑलरेडी है। अभी इनके पास 5 और किल्स निकालने का मौका है। लेट्स जस्ट सी कि ZE की टीम अगर चिकन के लिए जाती है तो कितने नंबर ऑफ किल्स आते हैं, 7 कितने किल्स इनसे चुरा पाते हैं, या फिर एक अलग ऑप्शन भी बन सकता है ये 4v4v1 की फाइट के अंदर साथ अकेले बंदर बन जाए जो बाकी मार जाए। ये देखिए नॉक किया किसी और ने, 7 किल निकाल कर चले गए, बट अब हील करना पड़ेगा, मौका नहीं मिलेगा, जोन भी आ चुका है और ये हो जाएंगे 7 की समाप्ति का आखिरी क्षण। क्रिप्टो यहां पर अभी के लिए एक बार फिर से काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे थे, मुझे अभी भी याद है मिलिट्री बेस से इन्होंने अपनी जो मैच की शुरुआत की थी, क्या उसे एक सही नोट पर एंड कर पाएंगे? सर्कल जब आपके पास रहता है तो आप रिजल्ट्स अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हो, बट जोकर आ चुकी है, INS के एच भी यहां पर आ चुके हैं, व्हाट्स योर कॉल गेम, डू यू थिंक यहां से चिकन डिनर कन्वर्ट कर सकती है INS की लाइन? देखिए मौका है अभी, बट स्टिल कहीं ना कहीं वहां पर नंबर्स का एडवांटेज, प्लस वहां पर MK14 देखिए इफेक्टफुल वेपन है ये नो डाउट, लेकिन स्टिल अगर इस तरह से आपके सामने खिलाड़ी आ जाए, और रिलोड तो देखिए गन कोई ना कोई आती है, वहाँ पर रिलोड पे गन गई एंड टीम इल्यूमिनेट ने वहाँ पर कंफर्मेशन दिया, यानी 11 किल्स के साथ ये अपना बोल सकते हैं आज का ये तीसरा मैच था इजी गेमिंग वर्ल्ड इन्विटेशनल स्क्रीम का, आखिरी गेम अपने नाम करते नजर आए। और क्यों एक बोल सकते हैं PMPL टीम रही है वो अपने कंट्री से, वो साफ चीज दर्शाती हुई यहां पर नजर आई। INS ने भी काफी अच्छा स्टार्ट लगाई जा रही है, लेकिन डेसराफे नोज के किसी भी वक्त यहां से टीम TI8 के प्लेयर्स राउंड जरिए निकल कर आ सकते हैं। एक बेहतरीन नेट थ्रो किया गया, एक प्री नेट थ्रो किया जा चुका है यहां पर, लेट्स सी TI8 के प्लेयर्स को ये नेट नहीं कोई भी नुकसान पहुंचा पाएगा। डेसराफे जिस रिच के ऊपर मौजूद है, दे नीड टू बी सो केयरफुल, बैक हैंड पे R4 के प्लेयर्स रहने वाले, अगली तरफ TI8 का डेडली स्क्वाड रहने वाला, एक मॉन्स्टर स्क्वाड रहने वाला, एक जबरदस्त स्क्वाड रहने वाला है, लेकिन यहां पर
नेट पिन पॉइंट किए जा रहे हैं आई एट की साइड से। रिज का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इस कवर के, इस गाड़ी के कवर का टीम डिस्ट्रॉयर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिस एंगल के ऊपर ये गाड़ी सिचुएशन लगी हुई है यहाँ पर, नेड्स बाउंस नहीं कर पा रहे गाड़ी के ऊपर से। दिस इज वाई व्हीकल्स प्ले इंपॉर्टेंट। लेकिन वहां पर बग्गी के कुछ अलग ही नशे करते हुए नजर हमें नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो एक कॉलेज करता बिल्कुल यहाँ पर जो है वो एक अलग ही मंजर लगता हुआ नजर आ रहा है। बग्गी जो है वो हवा के अंदर ग्लिच्ड बग्गी नजर आती है, लेकिन यहाँ पर R4 के स्ले मौजूद रहने वाले हैं। ट्रिंडा की साइड से अपना टैप टैप जरूर किया जा रहा है। आई थिंक सो दिस सेकंड एरियर ऑलरेडी गोज टू टीम IIT स्पोर्ट्स। R4 के दो प्लेयर्स एक ही जगह पर सिचुएटेड है, वहां से निकलना बहुत बड़ी गलती रहने वाली, बिकॉज इट विल ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज योर लोकेशन। गाड़ी पे अगर खासकर वहां से निकलेंगे, दे हैव नो वे टू गो, टीम IIT कैन फाइंड देम एवरीवेयर आउट देयर। मतलब लेकिन यहां पर सर्कल में आने के लिए अगर व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, आई बिलीव इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर देम। लेकिन व्हीकल का यहां पर जब टर्न किया जाएगा और टीम IIIT जो कि इंस्टेंटली यहां पर जब वहां खेल सकेंगे, कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि टीम R4 के प्लेयर्स को जब पेपर डाउन किया जाए, पिंच डाउन किया जाए। लेकिन उज़म का ये नॉक देना आई बिलीव R4 के लिए यहां पर जब एक रास्ता ओपन करता है, गेट ओपन करता है, जिससे वो सर्कल में जा सकता है। व्हाट हैपेंड, जंप क्यों नहीं किया बगी से, गाड़ी से बाहर, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। एंड जी आई एट 20 यहां पर सर्कल की तरफ से एक बार फिर से मूव करते हुए जाएंगे जॉनी विद द नम 249। जॉनी के हाथ नम 249 है, कमाल होते नजर आ रहे हैं जॉनी स्पोर्ट्स और टीम R4 नॉक भी किया जाएगा। एरर यहां पर नॉक होते हैं, इंस्टेंट थर्स्ट दिया जाएगा टीम ZE आई ट्राइंग टू कंफर्म दैट चिकन फॉर देमसेल्व्स। और यहां पर क्रिप्टो क्या यहां पर आखिरी फैक्ट अपनी टीम के लिए कंफर्म करके ही चिकन कंफर्म करना चाहेंगे, यानी देखना पड़ेगा। सामने R4 के आखिरी प्लेयर मौजूद जो कि टीपी पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन रिवील नहीं करना चाहते। क्रिप्टो इज गोइंग ऑन अ फ्लैंक, क्रिप्टो की तरफ से फ्लैंक ले जाएगा, ये फ्लैंक चिकन दिला पाएगा इनको या नहीं। एंड यस देखो मोलोटोव, देखो मोलोटोव यहां पर जब वो चलाया जाएगा R4 के आखिरी प्लेयर को एग्जैक्टली यहां पर जब मोलोटोव किया जाएगा, लेकिन मोलोटोव कोई भी आउटिंग जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां पर 1v3 सिचुएशन में 1v4 सिचुएशन ना चले, लेकिन यहां पर डैमेज देने की कोशिश अपने मोलोटोव में चले जाएंगे। क्रिप्टो यहां पर कुछ ही डैमेज करते हुए अपने मोलोटोव की वजह से, लेकिन यहां पर नॉक भी हो जाएंगे। स्ले यहां पर क्या क्लच कर पाएंगे ये देखना पड़ेगा। थर्स्ट भी दिया जाता है, जॉनी रोशन करते हुए जाएंगे। जॉनी यहां पर जब काफी डैमेज देने की कोशिश करते हुए 1 HP करता है, हियर गोस द परफेक्ट चिकन डिनर, एक्सपेक्टेड चिकन डिनर यहां पर जो है वो टीम ZEIA8 के खाते में जाता है। 1 IIIT विद दैट इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, ये चिकन डिनर अपने नाम क्लेम करके जाते हुए 10 किल्स इस टीम के पास रहेंगे, 25 पॉइंट रहेंगे और 1781।